In this video you will be know about medicine plant treatment and causes of pharmacy any type of test which will be educate you. यार ड्रग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिपेशन के बारे में रहेगा। कॉन्स्टिपेशन में हमको पढ़ना है कि आखिरकार क्या क्या हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है, और कॉन्स्टिपेशन से अगर हम दवा ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा दवा को खा लिए तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम एक दवा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये दवा को आप देख रहे हैं, बायोलैक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दवा के बारे में ही आज डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉल आया जिसमें से बताया गया कि आप ऐसा करें कि आप तो जो भी लेक्चर बना रहे हैं आप थोड़ा सा दवा के बारे में बताएं और दवा में क्या दिक्कत होती है, कैसे खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्या वजह है कि क्यों खाया जाता है दवा को। ठीक है, तो हम आज दवा के बारे में ही लेकर के आए हैं। सबसे पहले दवा को लेकर के आए हैं तो उसमें कुछ तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए आप। कॉन्स्टिपेशन, हम सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिपेशन है ना, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में किस दवा के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो दवा हमारा है बायोलैक। ठीक है, एक ऐसा दवा जिसमें हम जानेंगे रिव्यू, ठीक है, साइड इफेक्ट, डोज, ठीक है, और रिव्यू हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, डोज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये दवा का कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको। आपको क्या करना होगा, हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, ये यूट्यूब का चैनल डॉक्टर शाहबान फार्मेसी को जाके सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे वो सारा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, बेल आइकन उसी को कहते हैं, यानी कि जो घंटी का बटन रहता है, ऐसे करके घंटी का बटन रहता है ना, टन, तो घंटी का बटन को भी दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बाद में, सब्सक्राइब कैसे करना है नहीं करना है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिएगा रिव्यू। सबसे पहले हमारे पास में हमारे हाथ में एक दवा है, सिरप है, उस सिरप का नाम है बायोलैक। इसमें जो इंग्रेडिएंट रहते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स वो है लैक्टुलोज। ठीक है, तो ये जो कंपनी का है वो बायोजेन कंपनी का है और इसमें 100 ml रहता है। ठीक है, हम आपको इसको खोल करके दिखा देते हैं, ये कैसा रहता है, इसमें क्या क्या दिया जाती है। तो ये देख रहे हैं बायोजेन का जो दवा है बायोलैक, इसमें एक ढक्कन भी दिया रहता है ताकि उसको डोज जो है वो प्रॉपर मात्रा में ले सके। ठीक है, एक ढक्कन लेना है या आधा ढक्कन लेना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ये वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, यानी कि बीच बीच में भी मिल सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम, है ना। वीडियो को मैंने दिखा दिया, इसमें क्या होता है, हर एक 5 ml जो रहता है, हर एक 10 ml में 15 ml में 10 ग्राम लैक्टुलोज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये कंपनी का दे दिया बायोजेन, इसकी कंपनी का नाम है ना, और WHO GMP के द्वारा प्रमाणित है ये। ठीक है, तो चलते हैं हम अब थोड़ा सा क्यूर के बारे में जान लेंगे, इसका कॉन्स्टिपेशन क्या है। ठीक है, मैं ये उसी के लिए है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इसको ये दवा के लिए है भाई, है ना, ये क्यों किया जाता है, क्यों इस दवा को बनाया गया, कुछ तो वजह होगा, कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो खासियत होगा तभी तो ये दवा को बनाया गया, नहीं तो दवा रहता ही नहीं, बनाया ही नहीं जाता, और ना ही लोग पीते, ना ही डॉक्टर होती, तो हकीम ऐसे नहीं बन गया, उसका कुछ कारण था, लोग बीमार हो गए थे,
इसीलिए हकीम का आना शुरू हुआ, डॉक्टर का आना शुरू, हकीम को डॉक्टर को हकीम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होने का जैसे ड्राई फूड कारण, काउज इज अगर मैं पूछा जाए कि क्या कारण है, ठीक है, तो काउज इज में जो होता है, काउज इज जो बीमारी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन एक डिजीज है, ठीक है, ये काउज इज क्यों होती है, ठीक है, ये क्यों होती है, तो सबसे पहले इसका कारण ये है ना कि या तो वो डायबिटीज मेलिटस पेशेंट है, ठीक है, टाइप वन हो या तो टू, ठीक है, डायबिटीज टाइप वन हो या टाइप टू। दूसरी बात ये है, ड्राई फ्रूट का सेवन कर रहा हो या ड्राई फ्रूट का यादी हो वो पेशेंट, ठीक है, या वो इंसान, तो इसके वजह से ये भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या होता है, HDL यानी हाइपरटेंशन वाले जो मरीज है उसको भी ये होता है, ठीक है, जिसका बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, तो बीपी ज्यादा दिन का दवा खाने से, हाँ, तो ये बीपीएच हो गया यानी बिना प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, हेमोराइड्स यानी कि पाइल्स, ठीक है, ज्यादा जो चाय पीता है टी, ठीक है, जो ज्यादा चाय पीता है उसको भी होता है, जो तंबाकू खाता है, ठीक है, देख लीजिएगा उन लोगों को जो तंबाकू खाता है, ठीक है, तो सबसे पहले सुबह सुबह होगा दूसरे को खैनी मांगे, समझे ना, जब खैनी उसको नहीं मिलेगा तो दूसरे को ताक ताक रहेगा, कौन है जो इसको मांगे खैनी मांगे, ठीक है, क्योंकि उसको पैखाना करना होता है और वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार किसको बोले भाई जो मिलेगा मेरे को, ठीक है, तब जो है सो हम जा करके बाथरूम जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा बीमारी पाने से बढ़िया है कि आप तंबाकू को छोड़ दीजिए, तंबाकू को क्रैश आउट कर दीजिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। हाँ, अब रही बात टी, चाय में क्या होता है, आप तो क्वेश्चन कर देंगे मेरे को, ठीक है, हम तंबाकू छोड़ दें, लेकिन चाय पीता है उसको कैसे होता है, ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है भाई, जो चाय होता है ना उस चाय में भी आपका निकोटीन पाया जाता है और उस निकोटीन के कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कभी ऐसा होता है किसी किसी को कफ सिरप है ना, ये कफ सिरप से लोगों को क्या होता है, आदत बन जाता है, कफ सिरप पिएगा सो जाएगा, किसी किसी कफ सिरप पी करके उसको मतलब, हाँ, तो क्या होता है कि हार्ड स्कूल होता है।